नमस्कार दोस्तों, मिस्टर फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पौरुष और सैमसंग ने यार एक बहुत ही धमाकेदार लॉन्च कर दिया है अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज का, जो है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज। तीन फोन्स लॉन्च किए हैं, S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा। S20 अल्ट्रा तो यार खैर कमाल का स्मार्टफोन है, मतलब आप जितने हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन सोच सकते हैं एक स्मार्टफोन के अंदर, वो आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की मदद से। $1300 का ये फोन है, तो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप प्राइस भी है इस फोन का। तो खैर, यहाँ हम इस वीडियो में एक क्विक स्पेक कंपेरिजन करने वाले हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स और S10 प्लस और S20 अल्ट्रा। इन तीनों फोन्स के बीच में हम एक क्विक स्पेक कंपैरिजन करने वाले हैं और बताएंगे हम आपको कि क्या क्या नए फीचर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन पर टैप कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम यहां अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यार डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ने यहां पे 6.9 इंच का डिस्प्ले आपको दिया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ये डिस्प्ले है, क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें पता ही है कितना बढ़िया होता है। तो S20 अल्ट्रा में डिस्प्ले के मामले में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स HDR10 प्लस और ये सारे स्टैंडर्ड्स का सपोर्ट है ही। गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है यहाँ पर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब बॉक्स खोलेंगे आप और फोन को निकालेंगे, तब बाय डिफॉल्ट जो रिफ्रेश रेट होगा वो 60 हर्ट्ज पे सेट किया गया होगा। लेकिन अगर आपको 120 हर्ट्ज यूज करना है तो उसके लिए जब आप 120 हर्ट्ज पे स्विच करेंगे तब जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस फोन में, इनफैक्ट सैमसंग S20 सीरीज में, आप फुल HD रेजोल्यूशन पर ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को यूज कर पाएंगे। खैर, सैमसंग S10 प्लस की बात करें तो वहां पे आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है रेगुलर रिफ्रेश रेट और HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है। अगर हम आईफोन 11 प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पे आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले ऐसे करके बोला गया है आईफोन 11 प्रो मैक्स में। और जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 120 हर्ट्ज का आपको मिल जाता है। लेकिन जो टच सैम्पलिंग रेट आपको सैमसंग S20 में मिलता है, दैट इज 200 हर्ट्ज से ज्यादा का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाता है S20 सीरीज में। S20 अल्ट्रा में आपको ये फीचर मिलेगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ प्रोसेसर की, तो सैमसंग S20 सीरीज में आपको Exynos 990 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कुछ रीजन्स में ये फोन Snapdragon 865 के साथ आएगा, लेकिन जहां तक माना जा रहा है इंडिया में ये फोन Exynos 990 के साथ लॉन्च होगा। ये तीनों ही फोन सैमसंग S20 का पूरा लाइनअप 5G स्मार्टफोन्स है ये, लेकिन ये सारे फोन्स सब 5GHz स्पेक्ट्रम पर काम करेंगे। यानी कि 4G के कंपैरिजन में आपको 20-30% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू 5G स्पीड्स। अगर हम आईफोन 11 प्रो मैक्स की बात करें तो वहां पे आपको एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। सैमसंग S10 प्लस की बात करें हम, तो वहां पे आपको मिल रहा था Exynos 9820 और S20 अल्ट्रा में हमने आपको बताया Exynos 990 प्रोसेसर आपको मिलेगा। रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो S20 अल्ट्रा में आपको 12GB रैम और 16GB रैम वाले वेरिएंट्स मिल जाएंगे। यार मतलब 16GB रैम कहाँ पहुंच गया है स्मार्टफोन, सच में 16GB की रैम आपको मिलेगी मैक्सिमम S20 अल्ट्रा में। और एक और चीज, इस बार सैमसंग ने DDR5 रैम इंट्रोड्यूस करी है अपने S20 लाइनअप के साथ। अभी तक हमने जितने फोन्स देखे हैं उन सब में आपको DDR4 रैम मिलती है, जैसे कि S10 प्लस में भी आपको DDR4 रैम मिलेगी, iPhone 11 Pro Max में भी आपको DDR4 रैम मिलेगी 4GB की, लेकिन S20 अल्ट्रा में आपको DDR5 रैम मिलेगी। यानी कि आप बहुत ही बढ़िया और बेहतर इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग और ओवरऑल यूसेज और एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको S20 अल्ट्रा में 128, 256 और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट्स मिल जाते हैं। S10 प्लस में भी आपको 128, 256 और
512 आई थिंक 1 TB वाला भी एक वेरिएंट है, 1 TB इंटरनल स्टोरेज वाला भी एक वेरिएंट है S10 प्लस में। अगर हम iPhone 11 Pro Max की बात करें तो आपको यहाँ पे 64 GB, 256 GB और 512 GB वाले स्टोरेज वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर S20 Ultra में, इनफैक्ट S20 सीरीज में UFS 3.0 स्टोरेज स्टैंडर्ड दिया गया है और डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको USB 3.2 मिलता है, USB 3.2 Type C पोर्ट। अभी तक हमने 3.1 पोर्ट देखा है लेकिन यहाँ पे आपको USB 3.2 Type C पोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। और यहाँ पर Samsung में आपको बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। S20 Ultra की अगर हम बात करें तो काफ़ी ओवरकिल स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पर। रेयर कैमरा सेंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलेगा और 108 मेगापिक्सल का लेंस भी मिल जाएगा आपको, जिसकी मदद से आप 100 टाइम्स जूम के फीचर को यूज़ कर पाएंगे, जिसे सुपर जूम या स्पेस जूम का नाम दिया है सैमसंग ने। 100 टाइम्स जूम की फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी इस 108 मेगापिक्सल सेंसर की मदद से। और जो चौथा सेंसर है वो है 0.3 मेगापिक्सल का TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, जिसकी मदद से आप काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर पाएंगे। अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो S20 Ultra में आपको 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बाप रे बाप। खैर, अगर हम S10 प्लस के कैमरा सेटअप की बात करें तो वहां पे आपको मिल रहा था 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, और सेल्फी के मामले में आपको मिल रहा था 10+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप, जिसकी वजह से वो पिल शेप्ड नॉच आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल S20 अल्ट्रा में सिंगल 40 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और इसका जो होल पंच कटआउट है वो कुछ वैसा ही है जैसा हमने Note 10 और Note 10 प्लस में देखा है। अगर हम iPhone 11 Pro Max के कैमरास की बात करें, रेयर कैमरास की, तो वहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। और सेल्फीज़ के लिए भी आपको iPhone में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि इस बार आप S20 सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनकी मदद से 8K वीडियो शूट कर पाएंगे। 4K वीडियोस अभी तक हम शूट कर पा रहे थे लेकिन अब S20 सीरीज़ की मदद से आप 8K तक वीडियोस, 8K रेजोल्यूशन तक वीडियोस शूट कर पाएंगे। और 8K वाली जो वीडियो है उसमें जो एक फ्रेम होगा दैट इज़ 33 मेगापिक्सल्स, यानी कि आप 33 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन वाली फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं जब आप शूट कर रहे होंगे 8K रेजोल्यूशन वाली वीडियो, जो कि सच में कमाल की बात है। और दोस्तों अंत में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको S20 Ultra में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और अभी तक Samsung के जो अंडर 20,000 वाले फ़ोन्स थे उनमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती थी, लेकिन ये पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और बॉक्स में आपको मिलता है 45 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर हम S10 प्लस की बात करें तो 4100 mAh की बैटरी मिलती है आपको इस फ़ोन में और मेरे ख्याल से 15 या शायद 25 वॉट का चार्जर आपको मिलता है बॉक्स के अंदर। और अगर हम iPhone 11 Pro Max की बात करें तो वहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, 3989 ऐसे कुछ करके mAh की बैटरी है, मतलब 4000 mAh की बैटरी है। और जो चार्जर आपको मिलता है वो है 18 वॉट का चार्जर। इस बार आपको टाइप सी सपोर्ट मिलता है iPhone 11 Pro Max में, और खैर S10 Plus और S20 Ultra में तो खैर आपको USB टाइप सी मिल ही रहा है, लेकिन हाँ S20 सीरीज में इस बार आपको USB 3.2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। तो दैट्स इट गाइज, ये था एक क्विक स्पेक कंपैरिजन S20 Ultra, S10 Plus और iPhone 11 Pro Max के बीच में। कैसे लगे आपको S20 Ultra के स्पेसिफिकेशंस ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या लगता है आपको कि कितना प्राइस होगा S20 सीरीज़ का, स्पेशली S20 Ultra का, क्योंकि इस बार ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। और iPhone को अभी तक कहा जाता था कि यार ये 1-1 लाख रुपए के फ़ोन्स हैं, लेकिन अब Samsung की तरफ से भी आई थिंक हमें 1 लाख के प्राइस ब्रैकेट वाले फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। खैर, आपका क्या मानना है S20 सीरीज़ के बारे में ये डेफिनेटली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि S10 सीरीज़ के सारे फ़ोन्स का प्राइसेस घट जाएगा। मार्च के पहले वीक में हमें S20 सीरीज़ देखने को मिल सकती है और उसी टाइम S10 की जितने स्मार्टफोन्स हैं S10e, S10 Plus और S10, इन सब का प्राइस घट जाएगा।
और आईफोन 11 प्रो मैक्स तो खैर अभी धीरे धीरे प्राइस घटेगा ही जैसे जैसे हमें नया आईफोन देखने को मिलेगा। खैर कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप करें और बहुत जल्दी हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया अमेजिंग टेक वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।